आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। मौसम का पारा चढ़ने के साथ चावल की उपभोक्ता मांग भी निकलने लगी है। चावल पर घरेलू मांग का दबाव तो है ही, निर्यात की भी अच्छी मांग पहले से बनी हुई है। दरअसल चावल मिलों के पास धान का स्टॉक खत्म हो चुका है। धान की किल्लत के बीच गर्मियों में स्टीम चावल का उत्पादन भी घट जाता है। उत्पादक केंद्रों पर बीते महीने से ही चावल के भाव तेज हो चुके थे। अब इंदौर और प्रदेश के बाजारों में भी चावल महंगा हो गया है। गुरुवार से इंदौर बाजार में चावल के दामों में 300 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का उछाल देखने को मिल रहा है। बासमती किस्म के चावल के दाम 1000 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। बासमती 921 के दाम 11000 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं। दूसरी ओर सेला और मोगरा किस्म में 300 से 500 रुपए की तेजी है। बासमती सेला 9000 रुपए तक बिक रहा है। इसी के साथ पोहे दामों में भी 300 रुपए का उछाल है। पोहा नीचे में उछलकर 3700 रुपए व ऊपर में 4100 रुपए क्विंटल बिका। गर्मियों में पोहा का उत्पादन भी कमजोर पड़ जाता है। चावल में आगे भी और तेजी की उम्मीद की जा रही है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।